जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में डबोली मेन रोड स्थित श्री सत्येश्वर शिव मंदिर में शिवा नागरिक सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भाग लेकर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के कई बाल रूपों में झांकियां व भक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए। वीओ उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में डबोली मेन रोड पर शिवा नागरिक सेवा समिति द्वारा श्री सत्येश्वर शिव मंदिर डबोली मेन रोड पर क्षेत्रीय बच्चों द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा के कई बाल रूपों में सजीव झांकियों के माध्यम से भगवान की झांकियों को दर्शाया गया व अन्य कार्यक्रम शिव तांडव, मथुरा की तर्ज पर कृष्ण राधा की फूलों की होली, मोर मोरनी नृत्य, सुदामा चरित्र इत्यादि व क्षेत्रीय बच्चों ईशा गुप्ता, मनाली, वैभव, राशि आदि बच्चों द्वारा भक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें कि हजारों की संख्या में भक्तों ने सजीव झांकियां व नृत्यों का आनंद उठाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत पनकी मंदिर पूज्य श्री कृष्ण दास जी, महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री भाजपा श्री सलील विश्नोई, चेयरमैन कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री स्टेट के विजय कपूर आदि गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में दर्शन कर समिति के लोगों का उत्साहवर्धन किया। आयोजक व शिव नागरिक सेवा समिति अध्यक्ष राघवेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि यह कार्यक्रम 16 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। समिति हर वर्ष अलग अलग व आकर्षक करके श्रद्धालुओं का मन मोहने व प्राचीन परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। समिति के उपाध्यक्ष अमोल वर्मा, महामंत्री रामजी गुप्ता द्वारा महोत्सव में आए हुए अतिथियों का श्री कृष्ण के आकर्षक प्रतिमाओं को भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में योगेश गुप्ता, रामचरण सिंह, विनोद पाल, देवेश ओमर, कल्लू मिश्रा, प्रवेश गुप्ता, दीपू गुप्ता, मोहित गुप्ता, अंकित गुप्ता, संजय गुप्ता, अमित गुप्ता, सुमित कार्तिक आदि उपस्थित रहे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबोली मेन रोड पर सत्येश्वर शिव मंदिर पर निरंतर 16 वर्षों से सजीव झांकियों का श्रृंगार करा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कानपुर महानगर से शुभम कपूर के साथ रवि कुमार की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ कानपुर।